आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दहेज की मांग को लेकर लगातार मारपीट के साथ प्रताड़ित कर रहे दामाद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के साथ पंजाबी समाज सड़क पर उतरा। पूरे मामले को परिवार के सदस्यों एवं पंजाबी समाज के पदाधिकारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी पारुल माथुर से की। वहीं एसएसपी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले की पड़ताल कर जल्द विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे महिला पक्ष से खुद पीड़िता जसप्रीत अजमानी ने मीडिया को बताया कि उनका विवाह 2020 में रायपुर निवासी मनमीत सिंह चावला से हुआ था। जसप्रीत के पिता सुरेंद्र अजमानी द्वारा न केवल मुंह मांगी दहेज दी गई, बल्कि शादी का सारा खर्च भी स्वयं वहन किया गया था। वहीं शादी के कुछ माह के पश्चात ही दहेज लोभी जसप्रीत के पति मनमीत अपनी पत्नी से बात विवाद कर लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। ऐसा नहीं कि इनके बीच पारिवारिक या फिर सामाजिक तरीके से समझौते नहीं हुए, बल्कि लगातार समझाइश के बावजूद मनमीत सिंह चावला अपने हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद जसप्रीत के परिवार वालों ने समाज के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मनमीत सिंह चावला के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई। बावजूद इसके पुलिस अब तक मनमीत के विरुद्ध कोई विधिवत कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि मनमीत सिंह चावला अपने बुलंद हौसलों के साथ पुलिस से बेखौफ होकर घूम रहा है, जिसकी शिकायत लेकर परिवार वाले एवं पंजाबी समाज के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हर चीज के लिए मतलब उसको डरा के रखे हुए थे, कभी गाड़ी नहीं लाई तुम, कभी टीवी नहीं लाई। उसके बाद और अलग प्रताड़ना करते थे उसको, घर में बात भी करने नहीं देते थे। मतलब लड़का लड़की को बात भी घर में नहीं करने देता, मनमीत सिंह चावला बात भी नहीं करने देता था। फिर उसको इन्होंने मतलब फादर ने समझाया बहुत उसके पापा को कि एक बैठक करते हैं फैमिली, मतलब हम समाज को तो बैठना ही नहीं चाहते थे, तो बोले ठीक है हम फैमिली साथ बैठ के करते हैं। लेकिन उसमें भी वो एग्री नहीं हुए हैं। चार पांच लोग उनको फ़ोन लगाए हैं, लड़के के पापा मनमीत सिंह चावला के पापा प्रीतपाल सिंह चावला को, उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं, हम नहीं बैठेंगे ऐसे करके। कहाँ के रहने वाले, कब शादी? ये रायपुर के है, ये 2020 में हुई थी 3 अक्टूबर। उसके बाद एक महीना अभी क्या, अभी लड़के की गिरफ्तारी चाहिए हमको। बस अपना परिचय केस हो गया हुआ है FIR, उसके बाद भी ओपन घूम रहा है तो भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उसका सहयोग चाहिए हम लोग। मैं जसप्रीत कौर अजमानी, उनके नेतृत्व में आया है हमारे ही समाज के सुरेंद्र सिंह अजमानी की पुत्री, जिनका विवाह रायपुर में हुआ था मनमीत सिंह चावला से। तो लगातार उनके द्वारा बिटिया को प्रताड़ित किया जा रहा था और कई प्रकार से उनको उनकी डिमांड भी की जा रही थी, दहेज के लिए भी की जा रही थी। तो लगातार हमारा प्रयास ये रहा, हमारे समाज के लोगों का प्रयास रहा, परिवार वालों का प्रयास रहा कि लड़के में कुछ सुधार आ जाए और सब इनका परिवार बिखरने ना पाए, परंतु वो लगातार प्रताड़ित करते रहे और मजबूरन हमको बिलासपुर में FIR करनी पड़े उनके परिवार वालों को। तो FIR करने के आज 3-4 महीने के बाद भी वो जो मनमीत सिंह चावला है उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। आज बिलासपुर पंजाबी समाज के लोग और महिला मंडल के लोग, उनके परिवार के लोग, सारे लोग इस बात को SP साहिबा को बताने आए हैं कि शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो लगातार रायपुर में ही रह रहा है और उसका मोबाइल भी चालू है, स्टेटस भी डालते रहता है। तो निश्चित रूप से कि पुलिस अगर प्रयास करती है तो उसका गिरफ्तार होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग निवेदन करने आए थे शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक, खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।